नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सांसों का सौदा, जी हां, उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों के बीच ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, जिला प्रशासन के जरिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ऑक्सीजन सप्लायर के नंबर जारी करने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन सिलेंडर की आ रही है। जरूरत पड़ने पर जब लोग ऑक्सीजन सप्लायर्स के नंबर मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन सप्लायर सिलेंडर ना होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के दावों में कितनी सच्चाई, क्यों हो रहा सांसों का सौदा, जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लगी कतारें। उत्तराखंड में कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा राजधानी देहरादून में मिल रहा है। ऐसे में खासतौर पर राजधानी देहरादून में जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो वे लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भी इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब लोग ऑक्सीजन सप्लायर्स पर ऑक्सीजन के लिए जाते हैं तो वहां पर भी कड़ी मशक्कत और घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो फिर रिफिलिंग भी नहीं हो पा रही। ऐसे में ऑक्सीजन सप्लायर भी पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोगों का डर बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर इस वक्त किसी चीज को लेकर अफरा तफरी मची हुई है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, क्योंकि इस बार नई स्ट्रेन में कोरोना के कारण लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देखो, हम तो सिलेंडर दे नहीं पा रहे, अब हमारे पास सिलेंडर नहीं है बिल्कुल भी। जितने भी हमने सिलेंडर पीछे 15 से 20 दिनों में दिए हैं, उस सिलेंडरों की हमारे पास रिकवरी एक की भी नहीं आ रही। अगर जो रिकवरी आ रही है, अगर जो मान लो पूरे दिन भर में एक सिलेंडर आ रहा है तो 500 की डिमांड है। हम किसको दें किसको ना दें, बड़ी असुविधा है। ये तो भगवान ही है, कहाँ से किसको सिलेंडर दिला रहा, कैसे दिला रहा, हम कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल है। डिस्चार्ज एडमिट थे मेन्स हॉस्पिटल में, मेन्स हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया कि घर में आप सिलेंडर की व्यवस्था करो। सिलेंडर की व्यवस्था चार दिन से बड़ी मुश्किल से छोटा सिलेंडर हुआ है, लेकिन छोटा सिलेंडर आज 2-4 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है और उसको सर्वाइव करने में बड़ी मुश्किल है। अभी हम उसको सर्वाइव कर रही है वो लेडी, और हम सिलेंडर निकाल के आए बिना ऑक्सीजन के, वो बेड पे लेटी है और उसका ऑक्सीजन 65-70 जा रहा है। फ्लो मीटर का इंतजाम मैंने किया, फ्लो मीटर जो 500 रुपये मिलता है ये मैंने 6000 का मार्केट से खरीदा है। स्थिति ये है कि भारत वाले कोशिश तो कर रहे हैं पूरी सप्लाई करने की, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। बार बार मैसेज आता है कि भारत पे अवेलेबल है, हम यहाँ पे आते हैं, बड़ा सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अंबिका पे भी नहीं है, गुप्ता पे भी नहीं है, कहीं भी बड़ा सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। जितने भी नंबर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि ये लोग आपकी सेवा करेंगे, मेरे हिसाब से वो सारे नंबर फर्जी हैं। किसी से भी बात करो, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देता। वो ये कहते हैं कि हम आप हमें खाली सिलेंडर लेके आ जाओ, हम भर देंगे, लेकिन सिलेंडर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जबकि उन नंबरों पे आता है कि हम आपको सिलेंडर अवेलेबल कराएंगे, फिर वो प्रमोशन है उन नंबरों का, बाकी कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब जिला प्रशासन सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात कह रहा है और सप्लायर द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने का जिक्र किया जा रहा है, तो फिर बाजार में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया क्यों नहीं हो पा रहे। सवाल उठने लगे हैं कि इसके पीछे कई मुनाफाखोर काला बाजारी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं जिन कोरोना मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा और अस्पतालों में बेड खाली नहीं हैं, इन तमाम परेशानियों ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में अगर कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई तो हालात से आगे क्या हो जाएंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में फैलती महामारी से कैसा मंजर होने वाला है। राजधानी देहरादून से सागर शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है, और आरपी रतूड़ी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले आरपी रतूड़ी जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से सरकार दावे कर रही थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हर तरफ व्यवस्थाएं की जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, आपको क्या लगता है कि वो धरातल पर दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। तो मालूम था, सरकार को तो मालूम होना चाहिए, इनके पास तो पूरी एजेंसी रूटीन, कि जब पिछले 9
नवंबर दिसंबर में कहा गया था कि ये दूसरी लहर कोरोना की आएगी, तो सरकार का आपदा प्रबंधन जो स्वास्थ्य संबंधी होता है वो क्या कर रहा था जी। वो कहां सोया हुआ था, क्यों नहीं उसने बेड के लिए, जैसे आपका राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉलेज में ही व्यवस्था कर लेते, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लेते। ये दुर्भाग्य है कि अगर आप अनुपातिक देखें, जनसंख्या आधारित अनुपात देखें, तो हम हिंदुस्तान में नंबर वन है। हम 8000 पे पहुंच गए, हमारी पॉपुलेशन कितनी, 127 और 128 लोग मर रहे हैं। तो आप देखें तो अगर उस एवरेज में देखें तो हम उस हिसाब से सबसे नंबर वन पर है। तो हमारा कहाँ है वो आपदा प्रबंधन जो सरकार की जिम्मेदारी थी। उत्तराखंड के लोगों ने बड़े भरोसे के साथ माननीय मोदी साहब पर भरोसा किया था, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाओ तो डबल इंजन का लाभ मिलेगा। तो आज उत्तराखंड को उस डबल इंजन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? आखिर वजह तो या तो कुप्रबंधन है, या सरकार ने पहले कह दिया कि आत्मनिर्भर रहो, अपनी आत्मा पर निर्भर रहो, हमने तो अपना जिम्मेदारी कर दिया। आज दर दर भटक रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से, अभी आपकी रिपोर्ट पे ही था कि जो नंबर दे रखे वो नंबर पर अगर आप फोन करो पहले तो उठता नहीं है, अगर उठ गया तो वो उपलब्धता की बात करता कि नहीं है, कहता है कि नहीं है। अब बताए आखिर वो तीमारदार जो मरीज के साथ खड़ा है वो जाए तो जाए कहाँ, एक अस्पताल में बेड नहीं है। तो सरकार ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं, सरकार ने तो भगवान मालिक भरोसे सब पूरा भगवान बद्री और केदार ही अब उत्तराखंड को बचाएगा। देवेंद्र भसीन जी, क्या वाकई में सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? आपने बहुत सही रूप में नहीं कहूंगा कि ये जनता को डराने वाला है, और वर्तमान में जनता को डराने की आवश्यकता नहीं है, उसको भरोसा देने की जरूरत है, और मानसिक तौर पर भी हमको मजबूत समाज को करना होगा, एक बात। दूसरी बात, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं तो मैं बहुत दावे के साथ क्या कहूँ, प्रत्यक्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर, चाहे वो दवाई का मसला हो, चाहे बेड का मसला हो, चाहे दूसरे मसले हो, वैक्सीनेशन का हो, चाहे टीकाकरण का हो, चाहे जांच का हो, सब में बहुत मजबूती से काम कर रही है। और अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई, इसमें आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी होगी कि वो जो सप्लायर है उसने कहा कि मैं जितने सिलेंडर देता हूँ वापिस नहीं आते। तो यहाँ पर मैं समाज की भी जरा बात कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को इस बारे सोचना होगा कि अगर उसका मरीज ठीक हो गया तो सिलेंडर वापिस करे। तो हम ही लोग समाज के अंदर कुछ ऐसे होंगे जो कि किन्हीं भी कारणों से, मैं इस आपदा में कोई आरोप लगाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन मन एक बात जरूर है, मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई मजबूती से मिलकर लड़ी जाएगी। अगर मेरा मरीज ठीक हो गया तो मुझे अपना सिलेंडर वापस कर देना चाहिए जिससे दूसरे काम आए, लेकिन हो ये रहा है कि सिलेंडर जाता है लौट के नहीं आता, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसके बावजूद भी सरकार जो है हर प्रकार से सिलेंडरों की व्यवस्था कर रही है। कल जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्तर पर इस बारे में बात की, केंद्र सरकार में मोदी जी ने खुद इसका फीडबैक लिया है, और कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर कहीं पर दिक्कत जरूर आ रही है, मैं उससे सहमत हूँ कि देहरादून में इसमें दबाव बहुत अधिक है, और इसके पीछे कारण और भी है कि हमारे जो समझवर्ती राज्य हैं वहाँ के मरीज भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अपने देश के लोग हैं, और अगर हमारे चाहे किसी रूप में भी आएंगे हम उनका इलाज करेंगे, यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं। तो लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के जो काम है वो हमारी सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस को जिम्मेदारी पक्ष के नाते जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो कोई भूमिका नहीं निभा रही। ये कहने के नाम पर इन्होंने खोल रखी है हेल्पलाइन, इनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, रोज बड़े बड़े बयान भी देते हैं, प्रदीप जी जानते हैं। तो मैं इनसे ही जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी कोई व्यवस्था करी? हम तो काम कर रहे हैं और आप हमें केवल कोस रहे हैं, लेकिन आपने क्या योगदान दिया आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, सरकार हमारी है, हम उसके लिए पूरी ताकत से लड़े हुए हैं, और हमारी समाज से अपील भी है कि हमें मिलजुल कर लड़ना है। अगर मेरा मरीज ठीक है तो उसको हटाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी, कुछ स्थानों पर गड़बड़ भी हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी हेल्पलाइन है जिसमें कि हम जो हमारे आईजी श्री अमित सिन्हा इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ शिकायत हमें करनी चाहिए, और तत्काल दबिश भी दी जा रही है और गिरफ्तारियां तक हो रही है, मुकदमे तक दर्ज किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर अस्पतालों के लिए भी जो है सरकार ने एक जांच की व्यवस्था बना दी है कि कहीं पर ऑक्सीजन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसके लिए गैर सरकारी और सरकारी दोनों चिकित्सालयों के लिए कमेटी बन गई है जो औचक निरीक्षण भी करेगी और ऑक्सीजन के प्रयोग का ऑडिट भी करेगी। इसके अलावा जो अभी रुड़की में हादसा हुआ,
जिसमें कि 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बहुत अफसोस है उस पर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वहां पर जो व्यवस्थक थे उन्होंने समय पर सूचना नहीं करी। इसलिए जिलाधिकारी और सरकार बार बार कह रही है कि आप 24 घंटे पहले हमें बताइए, ऑक्सीजन कम नहीं है हमारे पास, आप हमें 24 घंटे पहले बताइए, हम आपको ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। लेकिन आप 3-4 घंटे पहले बताएंगे तो दिक्कत होने वाली है। कभी कभी कहा जाता है 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, तत्काल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। लेकिन भाई 24 घंटे पहले बताएं आप, आपको हम ऑक्सीजन देंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर वे लोग भी जिम्मेदार होंगे जो व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के प्रति उनकी जो गंभीरता होनी चाहिए उस गंभीरता को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, गैर राजनीतिक लड़ाई है, हमको मिलकर के लड़ना होगा। और इस वैश्विक महामारी के अंदर जो स्थितियां हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी वैज्ञानिक और डॉक्टर भसीन जी लगातार तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं। जब हम दूसरी लहर में इतने कमजोर पड़ जाएंगे, फिर तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। आरपी रतूड़ी जी, जिस तरह से देवेंद्र भसीन जी ने कहा कि कांग्रेस कोई सहयोग नहीं कर रही है, बार बार सहयोग की अपील की जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या वाकई में जनता और जो पार्टियां हैं वो सहयोग नहीं कर रही है सरकार का? सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वक्त वाकई में नहीं मिला? जैसा कि देवेंद्र जी कह रहे हैं, जब मामलों में कमी आ रही थी, क्या तब वक्त नहीं मिला था? देखिए पूजा जी, ये तो अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ने का तरीका है। आज आने देवेंद्र भसीन साहब जरा बताएं, आप तो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, कब आपने सर्वदलीय बैठकों में इस तरह का निर्णय, एक बैठक आप करते हैं रस्म अदायगी के, आप जिम्मेदारी के साथ कब आपने, चाहे कांग्रेस को कितने जिम्मेदारी के साथ आपने बिठा करके बातचीत करना, और कांग्रेस को जितना उसके बस में है, कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ कर आज लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सरकार की, क्योंकि आपने लोगों को भरोसा दिलाया तभी तो आपको सत्ता विराज मिले, और उसके बाद भी आप कांग्रेस पर आरोप लगाए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा कि बजाय अपने, मैंने आप अभी कह रहे हैं कि जो सिलेंडर जा रहा है इसको मॉनिटर कौन करेगा, इसको मॉनिटरिंग आखिर सरकार की कोई एजेंसी तो होगी जब सिलेंडर जा रहा है, होनी चाहिए। तो सरकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि ये जहाँ जा रहा है वो आदमी ठीक हो गया कि नहीं हुआ। इनका अपना ये तमाम पूरा तामझाम है जो स्वास्थ्य विभाग का है, हमारे सामाजिक संस्थाओं का है, इनका सहयोग लेना ताकि वो जो मरीज सिलेंडर ले जा रहा है उसको मॉनिटर किया जाए कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो सिलेंडर वापस क्यों नहीं आया। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी भी तो सरकार को लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट का काम तो सरकार का है। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, अभी तो कांग्रेस पूरी तरह आपका सहयोग करी और कब नहीं किया? अरे आपने ताली बजाने का हमने ताली बजाए, आपने थाली बजाने का हमने थाली बजाई, आपने दीये जलाने का चौर जलाने का हमने करा, आपने जो जो कहा, आपने लॉकडाउन लगाया, कांग्रेस ने कहां विरोध किया आपका? कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पर आप उसका सहयोग तो दो, आप कहां ले रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये काम इस समय आरोप का नहीं, बल्कि आप अपने व्यवस्था और वो को बढ़ा करके और सुदृढ़ करने की जरूरत है, और खुले मन से मानना चाहिए कि हम असफल हो रहे हैं। हम ये जो हमारी उत्तराखंड में इतनी इतनी मौतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम उनको व्यवस्था ऑक्सीजन देने में नाकाम ना हो रहे हैं। हम वेंटिलेटर आपने रुड़की में देखा होगा कि अभी वो वहां के CMS कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ट्रेन नहीं है, 15 वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। कहां गए भाई? साल भर से आपकी क्या तैयारी थी? कहां गए थे आपका स्वास्थ्य विभाग? क्या कर रहा था? आपको मालूम था कि एक साल पहले से कोरोना वायरस महामारी का रूप ले चुका है, और वैज्ञानिक पिछले अक्टूबर नवंबर से आपसे कह चुके हैं कि दूसरी लहर आने वाली है, और आप भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर की भी खतरा है। तो जब आप जो दूसरी में ही आप संभल नहीं पा रहे हैं, तो तीसरी में आप कैसे संभलेंगे? कहां से योग नहीं कर रहे आप, वैक्सीनेशन कर रहे हैं,
जनता वैक्सीनेशन करा रही है, वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पाएंगे पूरी तरह, तो वैक्सीनेशन होगा। देवेंद्र जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कई जगहों पर अभी भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि वैक्सीनेशन 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए शुरू ही नहीं हो पाया उत्तराखंड में। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वैक्सीन की कमी है, या फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के दूसरी डोज के लिए अभी जो 18 साल 44 साल के लोग हैं उनको नहीं लगाई जा रही है, क्या वजह है आखिर? देखिए, मैं आपको दो बात स्पष्ट कर दूं। पहले मैं आपकी वैक्सीन वाला बात स्पष्ट करूंगा क्योंकि आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड के अंदर 45 वर्ष और उस ऊपर के लोगों के लिए 3 लाख डोज जो है अभी 2 दिन पहले आई, और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से वैक्सीनेशन 45 वर्ष और उससे ऊपर के उम्र के लोगों के लिए चल रहा है। एक बात, जहाँ तक 18 प्लस का सवाल है, उसके बारे में हमारा जो ऑर्डर है गया हुआ है, अभी वो प्रदेश में शुरू नहीं हुआ, अभी पूरे देश के अंदर करीब 10 राज्यों में शुरू हो पाया है। उत्तराखंड के अंदर हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं श्री अमित नेगी जी ने 3 दिन पहले बताया था कि 7 दिन के अंदर हम अपना 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन है उसको हम शुरू कर देंगे। अगले 3-4 दिन के अंदर जो 18 प्लस की वैक्सीनेशन अलग से आने वाली है, वो वैक्सीनेशन जब ऐसे वैक्सीन आ जाएगी हमारे पास, हम अगले 4 देरी तो हो रही ना वैक्सीन जी, जबकि इकलौता ये रामबाण इलाज है। एक मिनट जी, बात सुन लीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे 28 राज्यों के अंदर पूरे प्रदेश देश के अंदर अभी केवल 10 राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है 18 प्लस वाला, क्योंकि पीछे डिमांड एंड सप्लाई अचानक, क्योंकि जिस महामारी जिस विकराल रूप से हमारे सामने आई है, तो पूरे देश के अंदर वैक्सीन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है अपनी तरफ से, और दूसरी ओर जो हमारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा करके दे रही है, लेकिन जो मांग है उतनी अधिक है कि उसमें कहीं थोड़ा सा बैकलॉग हो रहा है, लेकिन वो निश्चित तौर पर उसको किया ही जाएगा और उसके लिए अगले 3-4 दिन के अंदर हम ये कार्य प्रारंभ कर देंगे। दूसरी बात, जो अभी रतूड़ी जी बोल रहे थे कि हम बहुत सहयोग करते हैं, तो रतूड़ी जी को याद होगा, तो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, हमारे मित्र हैं, कि जब पहली लहर चली थी तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे। पहली लहर में इन्होंने मजदूरों से कहा था कि आप चले चलिए, हम टिकट देंगे, एक को टिकट नहीं दिया था। प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में इन्होंने 4 आने नहीं दिए, केवल विधायकों ने, चूंकि एक्ट आ गया था इसलिए इनके और हमारे सभी लोगों ने उसमें योगदान दिया। और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इनके ही नेता ये जानते हैं, वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि हमारी हेल्पलाइन बहुत काम करिए। तब मैंने प्रश्न उठाया, आप कहिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम धरना देंगे, हम आपको केवल आपके खिलाफ बयानबाजी देंगे, कोई दिक्कत इस करते रहिए, लेकिन एक और आप कहते हैं कि हम बहुत मदद कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ करते नहीं है, उस पर मेरी आपत्ति है। बाकी जिम्मेदारी सरकार होने के नाते हमारी है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा संगठन पूरी ताकत इस पर लगा हुआ है। और दूसरी ओर मैं आपका उदाहरण देना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ और हमारा राज्य साथ बना था ना, और अब तुम्हारी जी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में हमारे से दुगने मामले हैं, दूसरे पंजाब में जहाँ पर की कांग्रेस की राज्य है और सेना के जिम्मे जा रहा है कि साहब मुझे अपना सहयोग कर दीजिए, महाराष्ट्र में कौन सी सरकार है, आपके द्वारा बनाई गई सरकार है। राजनीति हम करेंगे, राजनीति करेंगे तो बड़ा खराब चेहरा सामने आएगा, तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ राजनीति ना की जाए, कोरोना की लड़ाई लड़ी जाए, जब चुनाव होंगे हम आपस में बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि वर्तमान में सहयोगी होने के नाते हमें इस लड़ाई को हराना है, कोरोना निश्चित हारेगा, हम जीतेंगे, सहयोग करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये पैंडेमिक का समय है। ऐसे में अगर राजनीति होगी, हम कहेंगे, आप कहेंगे कि कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ पर देखिए मामले कितने बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कहेगी कि आपकी तो डबल इंजन की जहाँ सरकार है वहाँ पर भी आप लोग देखिए किस तरीके से राज्य में मामले बढ़ रहे हैं, तो इससे इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। समस्या का हल निकालने के लिए सोचना होगा सभी को साथ मिलकर। आज भी रतूड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से हालात इस समय उत्तराखंड के बने हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्या अस्पतालों में बेडों की कमी की वजह से या फिर कोई और भी वजह है? चले आरपी रतूड़ी जी के पास लौटेंगे, अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन जिस तरह से मौत का तांडव इस समय दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में, 127 लोगों की जान गई है, वो बहुत तरह के सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है पहले से ही, और तमाम तरीके के सवाल
शासन प्रशासन पर भी उठाए जा रहे हैं, वहीं राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कहती हैं कि सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो नाकाफी है, हर मोर्चे पर चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हो या फिर दूसरे वहां पर तैयारियों की अस्पतालों में बेडों की तैयारी की बात कर ली जाए वो नाकाफी है। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि एक तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें भी लगाया जा रहा है, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए की सभी विधायकों के खाते से वहाँ पर निधि के तौर पर भी अब इसको कोविड की लड़ाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तमाम तैयारी चल रही है इस बीच इतनी तेजी के साथ मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या टेस्टिंग में बढ़ोतरी ये एक बड़ी वजह है या फिर लोगों की लापरवाही भी तेजी के साथ दिखाई दे रही है जिससे मामले बढ़ रहे हैं? पिछले 24 घंटे के आंकड़े ये अब तक पहुंचा रहे हैं जहां 127 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अकेले देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं जहां पर 2771 मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में अगर बात करें हरिद्वार की, ये अभी तक दूसरे नंबर पर बना हुआ था जो कि फिलहाल चौथे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर देहरादून में क्यों व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं? अस्पतालों में बेडों की जो संख्या में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, क्या उसमें बढ़ोतरी उसी हिसाब से हो रही है जिस हिसाब से मरीजों की संख्या हो रही है? चलिए इस बीच लगातार देवेंद्र भसीन जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भसीन जी, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है लेकिन मौत के आंकड़े भी नहीं रुक रहे हैं, तो क्या समझा जाए? जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीज गंभीर हालत में सामने आ रहे हैं, उस तेजी के साथ वो तैयारियां नहीं हो पा रही हैं जो कि पहले से हो जानी चाहिए थी। देखिए, जो वर्तमान में स्थिति है, सरकार पूरी ताकत से लगी है, बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी आगे तेजी से उसे वृद्धि हुई है, अभी करीब 1500 बेड एड हुए हैं। इसके अलावा गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो ऋषिकेश का टीआरएच है उसे 500 बेड के बारे में कल ही मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्थाएं कराने के लिए कहा है, डीआरडीओ की मदद दी जा रही है, तो सब चीज चल रही है। और करीब हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो बड़ी संख्या है वो होम आइसोलेशन में, जिनको हम लोग किट प्रदान कर रहे हैं, तो सरकार कोई मोर्चा नहीं छोड़ रही है अपनी तरफ से। लेकिन महामारी के स्वरूप के अंदर जो स्थितियां वो हमारे साथ ही नहीं है, वो पूरे देश के साथ है, सरकारें पूरी ताकत से लगी हुई है और निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वर्तमान दौर है उस दौर में हम परस्पर सहयोग करेंगे, एक बात। दूसरा, जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो मास्क पहनने की बात है, डबल मास्क भी हम उसका भी पालन करें, हाथ सैनिटाइज भी करें, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है कि तो सरकारें काम करती हैं लेकिन जनता की तरफ से जो एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब बाजारों में चले जाएंगे तो भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कई बारी, इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका और अधिक हो जाती है, हमें उससे बचने की जरूरत भी है। तो ये सामूहिक लड़ाई है, केवल सरकार तो अपना व्यवस्था करेगी करेगी, जिम्मेदारी है उसकी, लेकिन जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। और जिन लोगों के मरीज ठीक हो चुके हैं वे कृपया से अपनी सिलेंडर वापस कर दें जिससे कि अगले लोगों को सामने आए, और अगर कहीं कालाबाजारी हुई है तो उसकी सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। इस बीच आरपी रतूड़ी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी जी, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं सरकार की तरफ से लेकिन हर मुमकिन जो कोशिश लगातार सरकार करने की बात कह रही है वो धरातल तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हो रही है, लोग सिलेंडर जब्त कर ले रहे हैं। पूजा जी, अगर कालाबाजारी हो रही है तो भी सरकार की विफलता है, बिल्कुल, अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो भी सरकार की विफलता है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। सवाल हमारा ये कहना है कि सरकार को ज्ञान था, आज चार धाम यात्रा रद्द की है ना, तो किसने विरोध किया? किसी हिंदू धर्म वाले ने तो नहीं किया, प्रदेश को बचाना है। अगर आपने भी सांकेतिक हमारा कुंभ किया होता तो हम महामारी के इस उसमें आपने ना झोंका होता, आपको पहले से मालूम था कि ऐसा तो आने आप ही लोग कह रहे थे कि दिव्य भव्य होना चाहिए कुंभ। नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं कि हम सनातनी धर्म के लोग हैं, होना चाहिए, लेकिन उसका अब आप खामियाजा भुगत रहे हैं ना, तो सांकेतिक होता। जैसे आप चार धाम यात्रा के कपाट खुलेंगे, पूजा होगी लेकिन यात्री नहीं जा पाएंगे, ठीक है, उत्तराखंड को पहले बचाना, पहले मानव बचेगा तो धर्म अपने आप बचेगा, मानव भी तो बचना चाहिए। तो आज हमारे कितने संत जो है वो कालग्रस्त हो गए कोरोना के,
तो ये सरकार की व्यवस्था, सरकार मैनेजमेंट का नाम है। सरकार केवल सत्ता भोग की नहीं होनी चाहिए, सरकार का काम तो है कि आम आदमी की सुविधाओं को देखना, आम आदमी को रोजी रोटी की चिंता करना, आम आदमी को भरोसे में रखना, ये काम तो सरकार का है। सरकार अगर पल्ला झाड़ेगी और केवल विरोधियों पर, आप कह रहे हैं अभी भसीन साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत समझदार हैं, आप कह रहे थे कि ये धरना प्रदर्शन, अरे आप तो अभी भी बंगाल में कोरोना हो रखा है लेकिन आप पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको किसान की 200 किसान मरे तब आपने कोई धरना प्रदर्शन नहीं करा, कोरोना से लाखों लोग मर गए तब आपने धरना प्रदर्शन नहीं करा, आपके कार्यकर्ता मर जाए तो आप प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। अरे देश पहले है भाई, कार्यकर्ता तब होगा जब देश बचेगा, देश बचाओ पहले। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र भसीन जी, उत्तर देना जी ठीक है, ने बात की है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि पहले देश है, लेकिन ये बात कांग्रेस सोचे ना, कांग्रेस ने क्या किया अपने उसमें दौर में के अंदर, अभी जो कह रहे थे ना कि हम बड़ा सहयोग करते हैं, जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो कांग्रेस के नेताओं ने राजीव गांधी के जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि लॉकडाउन को लगा दिया आपने, आपकी कोई तैयारी नहीं थी, और आज यही कांग्रेस कह रही है कि आप लॉकडाउन लगाइए। अभी दो दिन पहले राहुल जी का बयान, तो पहले के मामलों में और आपके मामलों में अंतर नहीं है भसीन जी? हां वही मैं कह रहा हूं, मैं ये केवल विरोध के लिए, अगर हम आज लॉकडाउन लगा देंगे तो कहेंगे अभी क्या तू लॉकडाउन लगा दिया, अभी हम तो व्यवस्थाएं करते हैं उसका विरोध करने लगते हैं। जिस समय कुंभ की बात चल रही थी तो कुंभ के समय में भी इन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाई, आज चार धाम के मामले में बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो तो व्यक्त तौर पर तो भले आदमी है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश के अंदर है वो यही रही है कि वो हमेशा से गैर जिम्मेदारी तरीके से काम करती है और केवल व्यवधान पैदा करने की काम करती है। उत्तराखंड के अंदर भी इनकी भूमिका एक जिम्मेदारी, जवाब देना तो हमारे सहयोग के, हमें जो है सहयोग के रूप में हमें मदद करने के लिए आए, मदद करें ना, हम तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है, 10 सेकंड में आरपी कतूड़ी जी अपनी अपना जवाब पूरा कीजिए जी। देखिए भसीन साहब जी ने जो आरोप लगाया, हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो पिछली बार भी फरवरी में कह दिया था, लेकिन आपको तो नमस्ते ट्रंप करना था, मध्य प्रदेश सरकार गिरानी थी, आज भी राहुल गांधी ने लगभग आपको जनवरी फरवरी में आगाह कर दिया था, लेकिन आप उनकी बात को तो गंभीरता से लेते नहीं है, क्योंकि आपको तो बंगाल और पांच चुनाव कराने थे। ठीक है, अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज स्थिति प्रदेश की कुछ और होती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए।